5 मिनट में ही सेट हो जाती है। फिर फ्रिज में से निकाल के उसे हम रैपर्स में रैप करके फिर इंडिविजुअली स्टिकर लगाएंगे। ये छोटी जमीन चक्री है और उसके बाद ये लक्ष्मी बॉम्ब का मोल्ड है। ये सारे मोल्ड्स जो है वो बाजार में इजीली अवेलेबल है। मोल्ड है, चॉकलेट है, इससे हम इसे रैप करेंगे। इसे पूरी तरह से कवर करते चॉकलेट को और फिर लक्ष्मी बॉम्ब का स्टिकर। बता रहे मुझे बुक में नोट डाउन हो जाता है जिनके जिनके ऑर्डर्स होते हैं ना, दिन भर हम बना लेते हैं, रात को जिनके नेक्स्ट डे डिस्पैच करना होता है तो वो रात को बॉक्स रेडी करके मॉर्निंग। नहीं एक्चुअली क्या है कि दिवाली का है ना तो मुझे पूरा वो साड़ी वगैरह पहनना पड़ता है। ओके, अदरवाइज घर में हम साड़ी नहीं पहनते। मतलब मेरा फोन बंद हो गया, चॉकलेट्स को टच हो गया। इस तरह से उसको लिखा है हमने बचपन वाली दिवाली। Okay. तो हम जैसे हम बच्चे थे ना तो हमको दो दो चीजें मिलती थी, सब चीजें 2 एटम बम मम्मी देती थी। बच्चे ज्यादा होते थे ना तो बांट दिए जाते थे पटाखे। तो अपने हमारे टाइम पर 2 ये हो गया 2 ये हो गया, एक लक्ष्मी बम का पैकेट हो गया। तो वो बचपन वाली दिवाली, इसीलिए उसे हम बचपन वाली दिवाली बोलते हैं। छूट गया मतलब वो बच रहा था, तब तक संभाल रहा था अपना को। और फायर ब्रिगेड वो सीढ़ी लेकर आते ना, ये 4 डाउन 494। और इसको फिर फ्रिज में रखते हैं। हाँ थोड़ा सा क्या हो माई करी रोड पे काफी बुरा हो गया एक्चुअली। Yes. राइटिंग है, ये फ्लेवर्स है तो मुझे याद रहता है कि कौन से पटाखों में कौन सा मुझे फ्लेवर ऐड करना है। हमने हमारे बॉक्सेस को भी ऐसे ही नाम दिया, जैसे ये मिनी बॉक्स है ना उसका नाम रखा है छोटा। सांगा सर्वात प्रथम तुमचं? माझे नाव सारिका शाहू आहे। हे जे कॉन्सेप्ट आहे चॉकलेटची ती कशी तुम्ही हे केले? कॉन्सेप्ट काय विचाराल? हे कॉन्सेप्ट असा आहे की आपण दिवाळीमध्ये फटाके फोडून पोल्यूशन करत आहे ते अवॉइड करायचे। इसीलिए मैंने उसको चॉकलेट शेप में बनाया तर आपण खाऊ शकतो आणि आपण एन्जॉय पण करू शकतो। कोणत्या कोणत्या प्रकारचे चॉकलेट्स आहेत याच्यामध्ये तुम्ही जे दाखवते? माझ्याकडे 12 ते 13 प्रकारचे फटाकडे आहेत, चॉकलेट फटाकडे। त्याच्यात अनार आहे, जमीन चक्री आहे, सुतली बॉम्ब आहे आणि स्नेक सुरसुरी आहे, लक्ष्मी बॉम्ब आहे, अशा प्रकारचे 13-14 प्रकारचे चॉकलेट आहेत। किती वेळ लागतो हे सर्व बनवायला तुम्हाला? हे बनवायला एक दिवस मध्ये मी 20 ते 25 किलो बनवून सकते। पुढे येणाऱ्या दिवसात अजून किती बनवायचं आहे तुम्हाला? असं मला आता 80 टू 90 केजी पुरी बनवायचे आहे। याच्या ऑर्डर्स कशा काय तुम्हाला येतात बाहेरून? बाहेरून येते, माझा फेसबुक पेज आहे, इंस्टाग्राम पेज आहे, त्यामध्ये मला ऑर्डर मिळते। अजून काही मोठा करायचा प्रयत्न आहे का येत्या वर्षात? नेक्स्ट ईयर में और नए फटाके ऐड कर सकती हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ। किती वर्ष झाला तुम्ही हे असं हे करताय? 4 वर्ष। आणि नक्की म्हणजे काय आयडिया कशी काय आली हे तुम्ही करू शकता? ते मी होम बेकर आहे, तो काही ना काही मी प्रैक्टिस करत असते, तो उसको अचानक ही ऐसी ख्याल आया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब हम दिवाली का चार्म भी रखें, हम पटाखे भी फोड़े नहीं, पोल्यूशन नहीं बढ़ाए और हम चॉकलेट्स भी खा लें उसी बहाने। का नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सारिका शाहू है। आपने जो ये कॉन्सेप्ट किया है दिवाली के फटाखों का, उसमें चॉकलेट्स क्या कॉन्सेप्ट है पूरे टोटल मॉडल? कॉन्सेप्ट ये है कि दिवाली हमें पता है कि हम फटाखे जलाकर और मिठाई खाकर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा है कि क्योंकि अभी पटाखों से पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है, तो पोल्यूशन तो नहीं करना है पर हम एटलीस्ट मिठाइयाँ खा सकते हैं जो फायर क्रैकर चॉकलेट के शेप में है, तो दोनों चीज़ें हो जाती है। तो कैसे फटाके ये कैसे आप बनाती है उनको? कितने टाइम लगता है इसे बनाने में? लगभग 1 किलो अगर बनाने जाए तो वो 1 घंटे में बन जाती है। इसी तरह से हम 20-25 किलो डेली बना लेते हैं। तो चॉकलेट को पहले मेल्ट करते हैं एक टेम्परेचर पे, फिर उसे फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद बाहर निकाल के उसे रैपर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे। कौन से प्रकार के इसमें चॉकलेट्स होते हैं? क्या नाम दिया आपने? शेप वाइज देखेंगे तो मेरे पास लक्ष्मी बॉम्ब बनाया है मैंने, सुतली बॉम्ब बनाया है, रॉकेट बनाया है, अनार बनाया है, ज़मीन चक्री, छोटी चक्री। सो इस प्रकार के कम से कम 13 से 14 शेप के फायर क्रैकर चॉकलेट्स हैं। कितने साल से आप कर रही है ये? मैं ये फायर क्रैकर चॉकलेट्स 4 साल से कर रही हूँ। कैसे आइडिया है आपको कि ये दिवाली के जो है फटाके में चॉकलेट्स आप कर सकते हैं? वैसे मैं प्रोफेशन से बेकर हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हमारी चालू रहती है, तो बस एक बार ऐसे ही ख्याल आया कि अगर हम पटाखे फोड़ नहीं सकते तो हम क्या करें ऐसा कुछ कि सब जन खुश हो जाए। तो अचानक ही ऐसे ही ख्याल आ गया कि चलो हम कुछ ऐसा शेप में चॉकलेट बनाते हैं जो पटाखे जैसा भी दिखना चाहिए और हम उसे खाकर बच्चों को खुश भी रख सकें। आपको ये आप कैसे सेल करती है जो फटाखे हो? ये मेरे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पर जाता है और इसी तरह से सेल होता है। लाइक आगे आने दिनों में और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत? नेक्स्ट ईयर शायद मैं और कुछ नए पटाखे इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। ठीक है।